हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम गेहूं के आटे से बने मार्केट से भी ज़्यादा कुरकुरे, बिल्कुल अलग तरीके से चटपटे और मसालेदार नमक पारे बनाएंगे। इसे आप एक बार बनाकर एक महीने तक स्टोर कर आराम से खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप गेहूँ का आटा। ये वही आटा है जो हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप सूजी, 12 से 15 काली मिर्च जिसे मैंने दरदरा कूट कर लिया है, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून साबुत धनिया, धनिये को हमने दरदरा कूट कर लिया है, 1 टीस्पून नमक, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 2 टेबल स्पून मेल्टेड घी, 2 टेबल स्पून मेल्टेड घी सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी को हमें अच्छे से आटे में मिक्स करना है। सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें हल्का गर्म पानी डालकर इसका आटा लगाएंगे। आटा हमें पूड़ी के आटे के जैसा सख्त लगाना है। तो आटा हमने लगा लिया है, अब हम आटे पर थोड़ा सा घी लगाएंगे और आटे को ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद आटे को हम अच्छे से चिकना कर लेंगे और आटे से रोटी की आकार की लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लोई हमने बना ली है, तो अब हम इसे बेलेंगे। हमें इसे ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला रखते हुए नहीं बेलना है। जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा पतला बेलेंगे। बेलने के बाद अब हम फोक की सहायता से इस पर होल कर देंगे ताकि फ्राई करते समय नमक पारे फूले नहीं। अब हम साइड से इसे काट कर चौकोर शेप देंगे। अब हम इसे थोड़े बड़े साइज के नमक पारे काटेंगे। नमक पारे हम डिज़ाइन वाले बनाएंगे। अगर आप सिंपल बनाना चाहते हैं तो पतले पतले नमक पारे काटकर उसे फ्राई कर लें। तो काटने के बाद अब हम एक शेप को लेंगे और इसे बीच में से प्रेस कर देंगे। तो इस प्रकार से बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। तो इसी प्रकार से हम सारे नमक पारे बनाकर तैयार करेंगे। सारे नमक पारे हमने बना लिए हैं। ये शेप दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल को हम पहले अच्छे से गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और अब हम नमक पारे को फ्राई करेंगे। एक बार में हम इतने ही नमक पारे डालेंगे कि आसानी से फ्राई हो सके। बीच बीच में से चलाते हुए लाइट गोल्डन कलर आने तक हमें इन्हें फ्राई करना है। अगर आपकी कढ़ाई मोटी है तो आप इसे लो टू मीडियम पर फ्राई करें। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि नमक पारे पर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर दिख रहा है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी प्रकार से बाकी के बचे नमक पारे को भी फ्राई कर लेंगे। तो सारे नमक पारे हमने फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसके लिए एक मसाला बनाएंगे। मसाले के लिए हम लेंगे 1 टीस्पून पुदीना पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून नमक। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला आप अपने टेस्ट के अनुसार भी बना सकते हैं या फिर आप मसाले को स्किप भी कर सकते हैं। अब हम नमक पारे पर मसाला डालेंगे और इसे ढककर अच्छे से मिक्स कर देंगे।
ऐसा करने से सभी नमक पारे पर मसाला अच्छे से कोट हो जाएगा। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी गेहूं के आटे के नमक पारे बनकर तैयार है। इसे आप चाय के साथ या हल्की फुल्की भूख में खा सकते हैं और इसे एक महीने तक आप स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। तो आप गेहूं के आटे से बने ये हेल्दी नमक पारे को एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।